देखिए फ्राइडे नाइट को मूवी देखने का मजा कुछ अलग ही आता है, और ऐसे में मूवी देखते देखते आप मूवी की पिक्चर क्वालिटी तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मार खा रहे हैं ऑडियो क्वालिटी में, गाइस बिलीव मी यू नीड टू लुक आउट अ सॉल्यूशन फॉर दिस। एंड इफ इन केस यू आर सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन ऑलरेडी एंड यू आर इन सर्च ऑफ अ वेरी नाइस साउंड बार, Guys, you have come at the right place. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज स्टील। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउंड बार्स के बारे में, लेकिन देखिए दोस्तों साउंड बार खरीदने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके साउंड बार खरीदने का पर्पस क्या है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ऐसे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको साउंड बार खरीदने से पहले याद रखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इन दोनों के बारे में जानते हैं आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, बिकॉज आई एम श्योर दोस्तों कि आज अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, पहली चीज़ तो ये कि आप बाकी लोगों की तरह दोस्तों बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे एक गलत साउंड बार को अपने घर के अंदर लाने की। सेकेंड गाइस बिलीव मी, आज मैं आपको साउंड बार खरीदने का एक्सपर्ट बना दूंगा। दोस्तों इतना ही नहीं, मैं लेके आया हूँ मेरे चुने हुए टॉप 5 बेस्ट साउंड बार्स, जो कि दोस्तों हर एक बजट के हिसाब से अपनी अपनी बजट कैटेगरी के अंदर टोटली एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पैसे पेड़ पे बिल्कुल भी नहीं उगते, और दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप अपने मेहनत की कमाई एक गलत जगह इन्वेस्ट कर दें, और दोस्तों ऐसे में आप अपने घर के लिए एक गलत साउंड बार ले आए जो कि आपके किसी काम का ही ना हो। दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें, भूल के भी आपसे भूल ना हो जाए। इसी वजह से दोस्तों मैं मानता हूं कि आपके लिए पर्पस जानना कि आप एक साउंड बार क्यों खरीद रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, दोस्तों ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने टीवी की वॉल्यूम को इनहांस करना चाहते हैं, उसकी आवाज तेज करना चाहते हैं, कोई सीरीज मूवी या सीरियल देख रहे हैं उसके अंदर डायलॉग डिलीवरी को और क्लियरली सुनना चाहते हैं, तो दोस्तों इतना सिंपल सा बेसिक काम आपका एक बजट साउंड बार भी कर सकता है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको जो बजट साउंड बार है 5000 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों अगर आप उसको ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरी टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट का। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आप म्यूजिक सुनने का बहुत शौक रखते हैं, यू क्वाइट एडिक्टेड टू म्यूजिक एंड यू डोंट वांट टू रुइन योर म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस, आई थिंक इन दैट केस गाइस यू नीड टू कंसिडर अ 2.1 चैनल साउंड बार। दोस्तों इस पूरे म्यूजिक सिस्टम के अंदर आपको दो स्पीकर्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग वन वूफर एज वेल। दोस्तों आपको क्लैरिटी तो मिलेगी, लेकिन साथ ही दोस्तों आपको काफी एक थंपिंग बेस मिलेगा, जो कि दोस्तों आपकी म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को काफी इनहांस करने में आपकी मदद कर सकता है। सो इफ यू आर क्वाइट कनेक्टेड टू म्यूजिक, दोस्तों आप म्यूजिक सुनने का शौक रखते हैं, कंसिडर अ 2.1 चैनल साउंड बार। लेकिन भाई आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि अपने रूम को या फिर अपने घर को टोटली थिएटर के अंदर बदलना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप वही डॉल्बी एटमॉस वाला एक्सपीरियंस अपने रूम के अंदर करना चाहते हैं, दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको सराउंड साउंड मिले जो भी आप कोई मूवी देखें या कोई सीरीज देखें, सो गाइज इन दैट केस यू नीड अ 5.1 चैनल साउंड बार। दोस्तों इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर आपको 3 स्पीकर्स मिल जाएंगे जो कि आपको साउंड बार के अंदर मिलेंगे। दोस्तों एक अलग से वूफर मिलेगा और 2 एडिशनल अलग से दोस्तों स्पीकर्स मिलेंगे। देखिए आप इन सभी यूनिट्स को अपने रूम के अंदर टोटली दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं, और काफी दोस्तों आसानी से आप वही डॉल्बी एटमॉस वाला एक्सपीरियंस अपने रूम के अंदर बैठे बैठे ले सकते हैं। सो गाइस आई होप आपके दिमाग में टोटली क्लियर इमेज बन चुकी होगी कि भाई आपको अपने लिए एक बजट साउंड बार चाहिए, एक 2.1 या फिर एक 5.1। दोस्तों आप किसी भी टाइप का साउंड बार लीजिए, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आपको हमेशा याद रखनी है एक साउंड बार लेने से पहले, आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स के अंदर डाउट आता है कि भाई ये 2.1 5.1 क्या होता है, जो कि जस्ट मैंने भी आपको बताया। दोस्तों मैं इसको काफी सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए डिकोड कर देता हूं। देखिए दोस्तों अगर आप एक साउंड बार खरीद रहे हैं या फिर एक होम थिएटर सिस्टम, तो अगर वहां पे लिखा हुआ है 5.1 चैनल्स, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम के अंदर आपको 5 स्पीकर्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग वन वूफर। दोस्तों जो पहला नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्पीकर्स, और दोस्तों जो दूसरा नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वूफर्स। दोस्तों बस यही डिफरेंस है, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, बट हाँ ये एक काफी मेजर मिथ है जिसको मैं बस्ट करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि भाई एक सिस्टम का जितना ज्यादा अच्छा साउंड आउटपुट होगा, जितना ज्यादा साउंड वॉटेज होगा दोस्तों, वो उतना ही कमाल का होगा।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों ये चीज डिपेंड करती है, पहली बात तो आपकी रूम एकॉस्टिक्स पे कि आपको कैसा साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइप का ऑडियो सिग्नेचर प्रेफर करते हैं। दोस्तों आप किस टाइप का ऑडियो प्रेफरेंस, किस टाइप का दोस्तों आप गाना सुनना, किस टाइप का बेस सुनना, किस टाइप की दोस्तों क्लैरिटी आप पसंद करते हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एक सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा साउंड आउटपुट होगा वो उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों ऐसा कभी कभार बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा ऑडियो डिकोडर। दोस्तों इस चीज को आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारा डॉल्बी एंड द सेकेंड वन इज डीटीएस। दोस्तों जो आपका डीटीएस होता है इट इज डिजिटल थिएटर सिस्टम, जो कि आपको मोस्टली होम थिएटर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप अपने पूरे म्यूजिक सिस्टम से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो गाइज आई वुड सजेस्ट कि आप उन साउंड बार की तरफ जाइए जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप उन साउंड बार्स को बाय करेंगे जिनके अंदर आपको डॉल्बी सपोर्टेड मिल रहा है, गाइज आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग चॉइस फॉर यू, बिकॉज दोस्तों आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस काफी कमाल का मिलेगा। एंड देखिए दोस्तों, डॉल्बी जो है इट इज एनी डे अ बेटर चॉइस देन अ डीटीएस। सो गाइज इस चीज को याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं अपना म्यूजिक एक्सपीरियंस को इन्हांस करना, उसको ग्रेट बनाना, दोस्तों आई वुड रिकमेंड कि आप उन साउंड की तरफ जाइए जिनके अंदर आपको डॉल्बी सपोर्टेड मिल जाएगा। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली ये गलती करते हैं कि भाई आप साउंड बार तो ले आते हैं लेकिन उसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस को बिल्कुल भी चेक ही नहीं करते। दोस्तों साउंड बार आप ले आए लेकिन आपके टीवी के अंदर अगर HDMI पोर्ट ही नहीं हुआ तो आपका साउंड बार किसी काम का नहीं होगा। दोस्तों इस चीज को इंश्योर कीजिए कि जो आपका साउंड बार है उसके अंदर आपको वेरियस एंड मैक्सिमम कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलने चाहिए। दोस्तों ऑप्शंस जैसे कि आपको आपके साउंड बार के अंदर ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल इनपुट, दोस्तों ये सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको अपने साउंड बार के अंदर मिलने ही चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, साउंड बार का असली मजा दोस्तों आपको HDMI ARC कनेक्ट करने के बाद ही मिलेगा। इस चीज को लिख के ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कनेक्टिविटी वाली चीज को भी आप बिल्कुल याद रखिए एक साउंड बार लेने से पहले। सो गाइस ये वो ऐसे सारे पॉइंट्स थे और वैसी चीजें थी जो आपने बिल्कुल याद रखनी है एक साउंड बार लेने से पहले। चलिए अब फाइनली एंड क्विकली बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 सेक्शन की तरफ। सो गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट साउंड बार, दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टीवी की वॉल्यूम को इनहांस करना चाहते हैं, कोई मूवी या सीरीज देख रहे हैं उसके अंदर डायलॉग डिलीवरीज को और क्लियरली सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो आई थिंक आपके लिए ये साउंड बार एक काफी कमाल का ऑप्शन बन सकता है। एट 5th पोजिशन वी हैव बोट अवान्ते 1160 साउंड बार। दोस्तों ये जो पूरा साउंड बार है ये एक 2.0 चैनल वाला साउंड बार है। दोस्तों इसके अंदर आपको कोई भी वूफर्स देखने को नहीं मिलते। दोस्तों इस साउंड बार के अंदर आपको 2.25 इंचेस के 4 डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों इस साउंड बार का जो साउंड आउटपुट है वो आपको 60 वॉट्स का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप इस साउंड बार को ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, इनफैक्ट HDMI के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस साउंड बार का एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको HDMI कनेक्टिविटी के बाद ही मिलेगा। दोस्तों आपको ये जो साउंड बार है टोटली रिमोट कंट्रोल के साथ देखने को मिल जाएगा। एंड आई थिंक गाइस ये जो साउंड बार है ये बिल्कुल बढ़िया रहने वाला है अगर आप अपनी न्यूज, मूवीज एंड म्यूजिक को एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों यानी कि बिल्कुल एक स्टैंडर्ड और बेसिक काम करना चाहते हैं, एक बेसिक म्यूजिक एक्सपीरियंस दोस्तों अगर आप चाहते हैं। देखिए दोस्तों साउंड बार का जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगा 4,500 रुपीज के आसपास, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अगर आपका बजट 10,000 रुपए के अंदर अंदर है, दोस्तों मुझे लगता है ये वाला साउंड बार आपके लिए जेन्युइनली ये काफी कमाल की चॉइस बन सकता है। सो अप नेक्स्ट वी हैव बोट अवान्ते 1550 साउंड बार। दोस्तों ये एक 2.14 वाला साउंड बार है, इसके अंदर आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं इंक्लूडिंग 1 सबवूफर। दोस्तों आपको इस साउंड बार के अंदर 2.25 इंचेस के 4 डायनेमिक स्पीकर ड्राइवर्स मिलते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको 6.5 इंचेस का सबवूफर भी मिल जाएगा। दोस्तों इस पूरे सिस्टम से आपको साउंड आउटपुट मिल जाता है 120 वॉट्स का, विच इज टेरिफिक। और दोस्तों आप इस पूरे साउंड बार को ऑप्टिकल इनपुट, ऑक्स, USB, ब्लूटूथ एंड HDMI के थ्रू टोटली कनेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस साउंड बार के साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। लेकिन देखिए इसकी कमाल की दोस्तों चीज ये है कि आपको इस पूरे साउंड बार के अंदर काफी कमाल का बेस मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं, ये साउंड बार आपके लिए ही बना है। दोस्तों इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 8,500 रुपीज के आसपास, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको माई लिस्ट में कोई भी साउंड बार पसंद आता है आप उसको सिंपली बाय कर सकते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उधर आपको सभी बेस्ट बाइंग लिंक मिल जाएंगे सभी साउंड बार्स के।
दोस्तों आप उन लिंक्स पे क्लिक करके उन साउंड बार्स को बाय करते हैं तो पहली चीज तो ये कि आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज ये कि आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए किसी भी टाइप का स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आते हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से ही चलता है। विद दैट बीइंग सेड, वापस बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 सेक्शन की तरफ। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक 2.1 चैनल वाले साउंड बार की ही है, सो गाइस मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, मेरी पर्सनल पिक आपके लिए ये वाला साउंड बार रहने वाली है। अप नेक्स्ट वी हैव ज़िब्रोनिक्स 9200 साउंड बार। दोस्तों ये एक 2.1 चैनल वाला साउंड बार है, यानी कि इसके अंदर आपको दो स्पीकर्स एंड एक सबवूफर मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस साउंड बार के अंदर ही 2.7 इंचेस के चार ड्राइवर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग 0.7 इंचेस के दो ट्वीटर्स भी, विच इज अमेजिंग। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको इस पूरे साउंड बार के अंदर 6.5 इंचेस का अलग से एक सबवूफर भी मिल जाएगा। दोस्तों आपको इनसे साउंड आउटपुट मिल जाता है 160 वॉट्स का, यानी कि दोस्तों साउंड बार और आपको वूफर से दोस्तों 80 वॉट्स का ईच आउटपुट मिलने वाला है, विच इज टेरिफिक। दोस्तों आप इस पूरे साउंड बार को HDMI, ऑप्टिकल इनपुट, ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ के थ्रू दोस्तों टोटली कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप इस साउंड बार को टोटली रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे कमाल की चीज मुझे ये लगती है साउंड बार के अंदर कि आपको काफी क्रिस्टल क्लियर वोकल्स मिलते हैं। दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज आपको इस साउंड बार के अंदर ट्वीटर्स भी मिल रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको क्रिस्टल क्लियर वोकल्स के साथ साथ आपको काफी कमाल का पावरफुल बेस भी मिल जाता है। दोस्तों साउंड बार का जो प्राइस है आपको मिल जाएगा 12,000 rupees के आसपास, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 20,000 rupees के अंदर ढूंढ रहे हैं एक काफी कमाल का साउंड बार, सो गाइस आई थिंक ये साउंड बार आपके लिए जेन्युइनली एक काफी कमाल की चॉइस बन सकता है। सो अप नेक्स्ट वी हैव ज़िब्रोनिक्स 9500 साउंड बार। लेकिन एक सेकंड, 20,000 rupees के अंदर सोनी S20R क्यों नहीं? दोस्तों मैं जानता था आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे सेम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने अपनी लिस्ट में ज़िब्रोनिक्स को रिकमेंड क्यों किया है, सोनी S20R को क्यों नहीं स्पेसिफिकली 20,000 rupees के अंदर। दोस्तों इसका रीजन मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि जो पूरा साउंड बार है ये एक 5.1 चैनल वाला साउंड बार है। इसके अंदर आपको 5 स्पीकर्स एंड एक सबवूफर मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस साउंड बार के अंदर 3 स्पीकर्स मिलते हैं और साउंड बार का जो आउटपुट है आपको 225 वॉट्स का मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबवूफर का साउंड आउटपुट आपको 150 वॉट्स का मिल जाएगा। और इतना ही दोस्तों, आपको यहाँ पे दो रियर सैटेलाइट स्पीकर का जो साउंड आउटपुट है वो 150 वॉट्स का मिलेगा, दैट इज 75 वॉट्स ईच। दोस्तों इस पूरे के पूरे सिस्टम का साउंड आउटपुट आपको टोटल मिल जाएगा 525 वॉट्स का, विच इज टेरिफिक। दोस्तों आप इस पूरे साउंड बार को HDMI, ऑप्टिकल इनपुट, ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ के थ्रू दोस्तों टोटली कनेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आप इस साउंड बार को टोटली रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने इस साउंड बार को रिकमेंड क्यों किया, सोनी S20R को क्यों नहीं? दोस्तों सिंपल रीजन है कि आपको इस साउंड बार के अंदर काफी क्रिस्टल क्लियर वोकल्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सोनी S20R के अंदर इतने क्रिस्टल क्लियर वोकल्स नहीं मिलेंगे। और दोस्तों याद रखिए कि आपको इसके अंदर बेस भी बहुत पावरफुल मिलता है ज़िब्रोनिक्स 9500 के अंदर। दोस्तों ये चीज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप मूवीज देखना चाहते हैं या फिर एट द सेम टाइम म्यूजिक सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ज़िब्रोनिक्स 9500 डेफिनेटली सोनी S20R से एनी डे एक बेटर चॉइस रहेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, इस चीज को भी याद रखिए कि सोनी S20R का प्राइस आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा इसके मुकाबले। दोस्तों याद रखिए कि इसका प्राइस आपको मार्केट के अंदर करेंटली मिल जाएगा कुछ 17,000 rupees के आसपास, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू आस्क मी विच इज माय पर्सनल फेवरेट एंड माय पर्सनल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो, गाइस दिस साउंड बार इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट, सोनी S40R। जी हाँ दोस्तों, सोनी को ऑडियो के मामले में टक्कर दे पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड बिलीव मी गाइस ये साउंड बार जेन्युइनली आपके लिए काफी कमाल की चॉइस बन सकता है। दोस्तों ये एक 5.1 चैनल वाला साउंड बार है, इसके अंदर आपको 3 बार स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आपको साउंड बार के अंदर ही मिल जाएंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको इस पूरे साउंड बार के साथ एक सबवूफर मिल जाएगा और दो अलग से रियर स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों इस पूरे साउंड बार का जो साउंड आउटपुट है आपको मिल जाएगा टोटल 600 वॉट्स के आसपास, विच इज टेरिफिक। दोस्तों इतना ही नहीं, आप इस पूरे सिस्टम को HDMI, ऑप्टिकल इनपुट, ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ के थ्रू दोस्तों टोटली कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप इस साउंड बार को टोटली रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा साउंड बार मेरी लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आकर करके आ रहा है, और क्यों है?
तो दोस्तों आइए इसके पीछे का रीजन जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस साउंड बार के अंदर आपको काफी कमाल की हाई मिड्स एंड लोज मिलते हैं। तो दोस्तों पहली चीज तो क्लियर है कि आपको इसके अंदर काफी क्रिस्टल क्लियर वोकल्स एंड नॉइस मिलने वाली है। सेकेंड चीज दोस्तों देखिए, आपको इस पूरे के पूरे साउंड बार के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, विच इज बूमी। दोस्तों ये बेस आपके पूरे रूम को तक हिला सकता है। एंड बिलीव मी गाइस, ये पूरा का पूरा जो साउंड बार है, ये बिल्कुल एक एप्ट चीज बन जाती है आपके घर के लिए। बिकॉज दोस्तों आप चाहे तो आप टोटली से थिएटर एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं, और दोस्तों बाकी सारी चीजें दोस्तों आप इस पूरे साउंड बार से टोटली एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस बिलीव मी, ये साउंड बार जेन्युइनली आपके लिए काफी कमाल की चॉइस बन सकता है। और उस पूरे साउंड बार का प्राइस आपको मिल जाएगा 26,000 रुपीस के आसपास। तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के माय टॉप 5 बेस्ट साउंड बार्स। अगर आप चाहते कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही आपके लिए होम थिएटर्स के ऊपर, स्मार्ट टीवीज के ऊपर नई नई वीडियोस लेके आऊं, तो दोस्तों आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में के डेफिनेटली बताइए। बिकॉज दोस्तों आपके कमेंट रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। और देखिए, अगर आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसी बीमारी काफी हेल्प हो जाती है। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।